वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 6 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमो नमः सर्वे नमो नारायण 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 नारायण। सत्य की स्वीकृति में लिखा है कि कर्म भी हो जाए कोई अनुचित तो आप पर क्या फर्क पड़ा, तो लिखते हैं कि साधक क्या हुआ जब गलत कर्म हो गया। तो दूसरी बात पूछी है कि मुक्ति में पूर्णता हो जाती है और आप कहते हैं साध्य प्रेम होता है मुक्ति में, फिर पूर्णता तो हो ही नहीं। नहीं, मुक्ति में पूर्णता हो जाएगी,
प्रेम हो जाएगा मूर्ति हो जाएगी। असली प्रेम मूर्ति के बाद ही होता है। असली जो प्रेम के तत्व की बात है वो प्रेम मूर्ति के बाद होता है। पर एक विशेषता है कि शुरू को तो आरोप अभी से भक्ति मारे अभी से हो जाए। पहले कर्म योग भले में ज्ञान योग फिर भक्ति योग और भक्ति योग शुरू से नहीं करूँ तो देखो भगत भगत पर आदमी को जो कहा जाता है वो किस दृष्टि से कहा जाता है, किस अवस्था में कहा जाता है। हम तो बहुत जोर देते हैं ये कसूर नहीं बैठा है, ये हमारे कसूर चिट्ठी नहीं बैठे छोड़ो छुट्टी कसूर छुट्टी क्या लगा कसूटी छोड़े साधक तुम्हें क्या लगा छोड़ो तो छोड़ने की बात कही जाती है कब कही जाती है वो कसूटी बात हो रही है। कसूटी अगाड़ी ऊंचा चढ़ने में बात हो रही है तो उसको छोड़नी है कसूरी की बात असर होता है राग द्वेष होता है असर होता है ये उम्र भय हिम्मत पेपर वगैरह तो ये बात कही जाती है। ऐसे ही मुक्ति होने पर गरीब होता है मत करो किसी वास्ते जो कि मुक्त हो चुके हैं अस्सी ऊंची स्थिति में हो गए हैं वे बात उनके लिए है सबके लिए नहीं है। मुक्त हो रहता होते बस मुक्त कैसे हुआ है किससे मुक्त हुआ माइया मैं किसी किसी को मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे लिए करना कुछ नहीं है मानते ही नहीं माने तो विदेश स्थिति ये देखे भाई को अब करना कुछ नहीं हरेक को कैसे ऐसा कहा जाए नहीं को नहीं कहा जाता रोते भी हो वो देखो यार हरी प्रीति हुई ऐसी प्रीति हुई आप द्रुवसार को आदर दे रहे हो भगवत संबंधी बात आदर ही नहीं करते बड़ी गलती करते हो तो ऐसे नहीं कहा जाता। अरे अरे जा कहने से उठो खबर खुल जाता है एकदम मुझे सर जाता है एकदम तो किसको बात कोनी के जाए सबके लिए नहीं होता। जैसे कहा गाड़ी उठन को नाची करे वैसे ही हो जाता है क्या कोई गाड़ी उठ में नहीं कोई नहीं है तो बात कैसे लगी वृंदावन वे संत आए थे ना रमणी वाले उन्होंने कहा एक एक बात बढ़िया बड़े उत्तर है सगली बात अब जितनी गई सब बढ़िया बड़े उत्तर है मेरे पास सब सब उत्तर है मैंने प्रेमी सुना है समझती गई समझती गई। तो आपको कहा जाए जैसे मेरा माताओं में मैंने कहा तुम विचार मत करो तुम्हारा असर हो गया अरे हो गया तो होने दो विचार मत करो। अब जब अच्छी बात है शेर जी ने स्वीकार कर लिया फिर क्या विचार देगा मत कोई विचार नहीं बहुत जल्दी जल्दी उन्नति हो जाएगी आपकी इन काल से आप रुक रही है। आपको मैं पूछू आपको मैंने कहा उस छोड़ने लाभ हुआ नहीं लाभ आप तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारे पापों की सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पर है तुम बेफिक्र हो गए ये बात आपने यहाँ तक कहा मेरे सारे पाप मेरे सारे पाप तुम्हारे पाप मैं ले लेता हूँ जिम्मेवारी तो वो किसको कही जाए कभी कही जाए ये बन रहे ये बन रही हुई बहुत उनकी बंद हो वो भी एक समय होता है बाजार का हर एक आदमी नहीं कही जा सकते क्या मुक्ति होगी बंद हो गया तो जो है जी घर में अरे हरिज मान करके कसौटी लगाते रहे वहां मास्टर ने शेठ जी को मैंने खुद ने कहा शेठ जी आप कसौटियां बड़ी खराब है
मन लगाते ही रहते हो, रोजते ही रहते। बस ठीक है, अच्छी बात है, पर फिर तो कसौटी करो, तेरे कोई मुक्त नहीं है, कैसे ऊंचा पड़ेगा? ऊंचा पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं छूट, सो में आप भी छूट जाएंगे, कैसे सब सुख लिया, सब ठीक हो जाएगा, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। डरते डरते पहले पहले डरते रहो, डरते रहो, ऊपर भर निकल जाएगी, डरते रहो ऊपर भरी आज आगन तू है, कुछ मूल्य नहीं है। आप जब सत्संग में आगाड़ी चढ़ गए, बढ़ गए, अब मत ये बात जरूर है कि आपकी स्थिति क्या है, कैसी स्थिति में आप हो। मैं कृषि बहन को कहा है कि तू क्या करती हो, बरसों में जाए, बरसों से दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, वर्षों से कह रहा हूं, तुम छोड़ भी बात हूँ, छोड़ तुम छोड़ नहीं, तुम क्या लगा बताओ। एक कसौटी लगाते रहे, वो छोड़ो कसौटी हो, ढूंढ दो खराब हो गया, वो काम करो तो हो गया, वो ये सदा नहीं रहेंगे, ये सदा है नहीं। अभी भी वृद्धावस्था में भी राग द्वेष छोटी थोड़ी रहते हैं, चले जाते हैं, थोड़ी देर आते चले जाते हैं, वृद्धावस्था में भी जो अस्थावस्था होगी फिर क्या बचा करते हो। सदा मत सुनो, मैं तो हरेक से कहता हूं तुम क्या बचते हो गया हो गया हो गया, आदर करो भगवत संबंधी बात करो, जितनी भगवत संबंधी बात आपके समझ में आ जाए उसका आदर जितना करो उतना थोड़ा है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की भगवत संबंधी बात है। भगवान ही आगे सन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए जीव हो गए, जब ही जन्म कोटि अविनाश है तभी कोटि करोड़ों करोड़ जन्म सब सुख तुम जाए कौन जन्मे हो, ये कसौटी भाई शेठ जी ने विशेष गई है, क्यों नहीं है? शेठ जी भूत हो गई है, ये धोखा खा गए, धोखा खा गए, इस बात कहते हैं बात ठीक कहते हैं। अब इसे सुना तो एक जगह टीका आया, इसमें और नहीं आया है, शेर जी लेखने में भी अब इसे सुधा सुटिंग में पता हूँ पता हूँ। आप अनंत भाव से भगवान में लग गए, आज से जाना का ये सा आ गया, देखो कसौटी सूट लगाओ, रोटी में लगाओ, हम भजन ध्यान करने मेरे में काम क्रोध कैसे आ गए, क्यों लगाओ काम क्रोध आ गया मेरे भजन कैसा है, ये दो बात है। तो ये लगाओ भजन स्मरण करने ये कहां से कैसा गए, उनको उठाना है भजन को उठाना है, आपको उठाना भजन को है, दोषों को दोषों को उठाना है, तो दोषों को इतना क्या आदर कर रहे हो, आदर भजन करो भगवान के चिंतन का करो, इसका महत्व है, आज कोई ठहरे नहीं, कोई टिका नहीं, ठहर सकते ही नहीं, टिक सकता ही नहीं। हमारी जब नियत अच्छी है, हमारा भाव अच्छा है, हमारी क्रिया अच्छी है, लोग है लोग, लोग समझते नहीं, लोगों की बात बचा मत पड़ा, लोग कहते हैं हमारी नियत खराब है क्या, हम खराब काम करना चाहते हैं क्या, लोग कहते, लोग तो कहते हैं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। भगवान शंकर नंदी पर चर्चा रहे थे, सभी गणेश जी नारपति तीनों शरिया के सबके घर पर चढ़ा, देखो कितना निर्दयी है, सभी सगड़ा उतर गए तीनों,
कहते क्या कहना पता और वैसे राज्य को साथ में वैद रखा जो तो कोई नहीं चले तो रखा जो मुख वे कर ले सब भाई तो आगे चले आप हमारा शंकर चलिया पूजा डोक रहे वह चढ़ा है स्त्री वैसे पढ़ रहे आप पड़ेगी अक्ल के नहीं है तो पार्वती के नहीं चला दिया देखो स्त्री पर कितना मोह है बेटा चलाया देखो बेटे पर कितना मोह है आप पैदल चले अच्छा पार्वती को रोज जाएगा देखो बेटे पर स्त्री पर कितना मोह है आप बताओ क्या करें बताओ क्या करें बताओ आप बताओ उसका तो ये कहेंगे यदि ज्यादा बर्बाद करो थोड़ा यू भी देखो ये भी चेताते हैं भक्त पर चेताते हैं भाई भी बात है मत देखो खराब है ये खराब है खराब है तो है खराब है तो है बर्बाद करो इस वास्ते कुछ न कुछ तो कहेंगे उनको तो कहना है कुछ पूछना है आप कुछ भी हो तो कैसे भी तो कहेंगे अब क्या करोगे जो सकते मूर्ख समझेंगे लोग ठीक कह दे असंभव बात है वो लोग मारा दिए तुम समर्थ किसी ताकत है जो समर्थ हो जाए सब सब लोग ठीक ठीक कर रहे चरित्र में राम जी चरित्र उसमें कहते हैं राम ने ये किया राम ने ये किया राम जी ने किया कहां तक होगे आप विचार करोगे हमारी नीयत क्या है हम क्या चाहते हैं अपनी नीयत है ये अपना जो सदाचार है इस दृष्टि से बहुत फायदा होता है लोग कहे हमने कोई गलती की या सावधान हो जाओ लोग सावधान हो जाओ सावधान हो ठीक है परंतु हमने गलती की नहीं फिर हम ढूंढ रहे हमने कोई दुराचार किया नहीं रूढ़ किया नहीं किसी अपराध किया नहीं अन्याय मैंने किया नहीं चाल हमारी खराब है ही नहीं फिर डरने की जरूरत है अपने कोई हमारा थोड़ा भी वे फसो सुनो अपने को अन्याय किया ही नहीं आज तो लोग ऐसे मिलते हैं हमारे को आप सब लोग बैठे हुए कि हमारे को भजन करने जरूरत है आप अन्याय करते ही नहीं भजन तो वे करो जो अन्याय करते हो हम अन्याय थोड़े करते हैं हम अन्याय करते ही नहीं जब उसने जिन्हें उड़े वहां तो संता नहीं तो पाप लग जा इस वजह से जरूरी नहीं अच्छी है यह ठीक हो रहा संदेह उड़े तो पाप लग गया नहीं जो पुण्य नहीं करते ये पाप है पाप जो बोला है हम ठीक तरह चल रहे हैं फिर भी पूछ लेना अपना कोई पूछे जो है पूछ लो भी लोग ऐसे कहते हैं क्या है डरो मत मैं ऐसी बात कहूँ ये इसी साल में गया मैं कहूँ मत छोड़ो इसको पूछ लो फायदे दूसरों का बरसों में बरसों बरसों आपको क्या हूँ मैं आप हूँ तो बहुत ऐसी सारी बात है वास्ते कृपा करो ऐसी बात पूछ लिया करो कोई आप डरो मत बिल्कुल डरो किसे दुराचार से दुर्गुण से डरो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए डरते रहो ये डरो हर डर गुरु डर जगत डर
डरे गर्मी में सार रजब डरसा उगड़ बगावत खाई मार हर दर कूर डर जगत दर डर करने में सार रजब डरिया सो उबरिया और गबल खाई मार। परंतु हम कोई है ही नहीं, लोग कहते लोग कहते वो लोग मारा आदि तुम समझ सब लोगों को राजी कर ले, ये अपने ताकत से बात अपना ठीक तो समझो। ऐसा बैंक पड़ा तो समय के पूछ लो कैसे ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं हम क्या करें, समय पूछ लो। जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां विश्वास हो, किस पुस्तक में विश्वास हो पुस्तक पढ़ लो, वो देख लो। अपने निर्दोष होते हुए भी हरदम सावधान ऐसी बात कहते हैं, परंतु भगत बल शेठ जी जैसे शेठ जी बहुत सतर्क है, इसमें शेठ जी बहुत सतर्क अपने समझाए एक जगह निकले सतर्क बहुत है, डूबना जाएगा पाप हो जाएगा ये हो जाएगा। भगवान को याद करो या सर्दी कर लो, आपस में कर लो बात कर लो, हम अन्याय किया नहीं, अन्याय पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, अत्याचार किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, कोई खराब काम किया नहीं, डरने की बात है, फिर डरने की बात है। अन्याय थोड़ा भी करे तो सावधान रहो, डरने की जरूरत है, विश्वास नहीं कोई बात नहीं, बोलो कोई बात है तो बोलो ये साथ संजीवनी पर प्रश्न है कि आपने नित्य बैरीना का अर्थ निरंतर बैरी लिखा है, नित्य नित्य बैरीना है ना, तो उसमें नित्य निरंतर बैरी लिखा है, तो राग द्वेष तो हमारे निरंतर रहता नहीं, सोते हैं जब भी नहीं रहता, कभी कभी आता है, तो निरंतर बैरी कैसे, आपकी बात ही हमारी ठीक नहीं बैठती। ज्ञान ही नो नित्य बैरी लिखा है, नित्य बैरी लिखा है, ज्ञान ही नो नित्य बैरीना, ज्ञानी का नित्य बैरी है, ज्ञानी का नित्य बैरी नहीं होता। सज्जन कौन है, पूछ लो सर पूछ लो, नहीं ज्ञानी का नित्य बैरी नहीं है, ज्ञानी का ये तो अंतकरण के धर्म में आने जाने वाले हैं। नहीं बिल्कुल गलत है, अंतकरण धर्म है जी, ये आपका उदासार है त्रिगुण है, अंतकरण धर्म नहीं है, अंतर का धर्म है, अंतर का धर्म राग द्वेष थोड़ी है, अंतकरण धर्म नहीं विकार है, अज्ञान है। देखो वो बात नहीं वो बात नहीं है, दोनों बात नहीं, अंतर का धर्म से मेरे लिए कहीं नहीं हुआ, कहीं मिलेगा नहीं, हमें कहीं भूल वो तो पता नहीं भाई, नहीं विकार अपने अंतर कहीं नहीं है, अंतर के धर्म कहीं नहीं है, सारे संजीव विकार विकार नहीं विकार है, अंतर धर्म में कभी मानते ही नहीं, अंतर्गत धर्म सही है, अंतर्गत का विकार है, धर्म नहीं है। बोलो शंकर करो, अंतर्गत में राग द्वेष रहते धर्म में नहीं बना है, कई आदमी मान रहे कई अच्छे अच्छे पुस्तकों में लिखे, पुस्तकों में लिखा हुआ है, बड़ा मतलब छोटी बात है, ज्ञानी होती तो रहना, ज्ञानी कर गया विवेक ही मिला, विवेक ज्ञानी के तत्व के अनुवाद ने बताया है, ज्ञानी नो नित्य वैरिया, ज्ञानी नाम विवेकी, विवेक क्या नित्य वैरी है, क्यों जमा हुआ तभी मैं उसे बाधा देता है, अरे विवेक विवेक देता है बाधा, ज्ञानी नित्य वैरिया हो अज्ञानी हो उनको सुषुप्त में तो जाना पड़ता है ना, कुछ कुछ समय वो ज्ञानी भी
हो सुषुप्ति अवस्था में तो उनको जाना पड़ता है सुषुप्ति अवस्था में। और क्या हुआ सुषुप्ति में दोष क्या हुआ? तो अंतकरण राग द्वेष काम क्रोध है ना वहाँ नहीं है सुषुप्ति अवस्था में। तो मैं कहता हूँ दोष क्या हुआ? खंडित हुआ ना निरंतर दोष है तो दोष वाली बात होता है। ये कह रहे महाराज जी आपने नित्य बैरी का लिखा निरंतर बैरी हाँ। तो जब सो गया जब तो निरंतर नहीं रहा ना वो बैरी तो निरंतर पद गलत हो गया ना ये भाव है। तो नित्य बैरी है ही नहीं आप हो कोई आपका अहंकार ही नहीं बैरी कैसे हुआ? सुषुप्ति में आपका अहंकार रहता है क्या? शत्रु बैरी का ज्ञान होता है क्या? जहाँ ज्ञान ही नहीं वहाँ बैरी सब नहीं है नहीं है बिल्कुल झूठी बात। सुषुप्ति में अहंकार रहता है क्या? तो ज्ञान कैसे बैरी से नित्य बैरी वह नित्य बैरी जागृत नित्य बैरी है सुषुप्ति कोई बैरी नहीं है। काम करो दर्द में सुषुप्ति में रहते आपको चेत रहे तो बैरी वही बैरी है आपको होश ही नहीं क्रोध पांच सुगा दिया कोई बैरी नहीं है तो भूत हो गए गलत बात गलत 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 सही नहीं। ज्ञानी लो ज्ञानी का विवेकी अर्थ किया है हमने कि विवेकी का नित्य बैरी है कि जो शास्त्र में रचे पचे है संसार में उसका जब ये काम उठाते हैं तब अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं उसको नित्य बैरी नहीं लगते विवेकी है उसे आ जाए तो बैरी लगता है जाए तो भी बैरी लगता है ये तो नित्य बैरी है हमारा तब तो ज्ञानी आता ही नहीं इस वजह से ज्ञानी नित्य बैठना अज्ञानी का नित्य बैठ नहीं है क्यों अज्ञानी तो अच्छा लगता है। अरे काम के बिना पदार्थ अच्छे ले ही नहीं सकते तो काम के बिना क्या क्या कर रहा है भोग सब निर्थक काम अगर ना हो तो भोग सब निर्थक कोई भोग काम का बताओ ये तो बैठे बताओ भाई जब आपकी कामनाएं नहीं तो भोग में आशित ही नहीं तो भोग क्या हुआ? राग द्वेष वियोग देश इंद्रिया विषयों विषयों का आसन करता है तो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है बैरी कैसे हुआ गीता लगती है बुरा बुरा संतोष हो गया। ये प्रश्न है भगवान का विरह कैसे हो पैदा भगवान के विरह कैसे पैदा हो हमारे लोगों के प्रेम पैदा होता प्रेम से विरह योग और वियोग दो होते हैं वो योग वियोग से व्यवस्था होते हैं। कौशल्या मैया सुमित्रा से पूछती है कि सुमित्रा तुम सच्ची बताओ राम लक्ष्मण और सीता वनवास में चले गए वह सच्ची है तो बताओ सच्ची है? अगर सच्ची है तो मेरे दीखते कैसे? अगर वे वनवास में चले गए तो मेरे दीखते कैसे? राम जी दीखते हैं सीता जी दीखते हैं लक्ष्मण दीखते हैं तो वनवास में नहीं गए और वनवास में नहीं गए तो मेरे हृदय में जल्दी कैसे? मैं पूछ रही हूँ तुम बताओ सच्ची बताओ भाई। तो ये अवस्था होती है प्रेमी की तुम सच्ची बात बताओ दोनों कैसी बात सच्ची है? अगर वनवास में चले गए दिखते कैसे है दिखते दिखते में जल क्यों है? तो वे दिखते प्रेम से ये वियोग में संयोग है ये संयोग में वियोग है पास में बैठे हैं भगवान चले गए भगवान चले गए और व्याकुल हो जाए ना श्री जी व्याकुल होगी कृष्ण भगवान पास में बैठे और बड़ी व्याकुल होगी ये भगवान चले गए भगवान चले गए ये संयोग में वियोग है संयोग में वियोग वियोग में संयोग चारों अवस्था होती है संयोग में संयोग संयोग में वियोग वियोग में संयोग वियोग में वियोग चारों अवस्था होती है
तभी प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है। अभाव भी न पड़ेगा क्या है, अभाव उतना पड़ेगा और कमी से पड़ेगी प्रेम में। तो प्रतिक्षण वर्तमान तभी होगा जब संयोग में वियोग हो, तो वियोग होने से प्रेम बढ़ता है। यार प्रेम नहीं हो तो प्रेम का आस्वादन नहीं होगा। प्रेम क्या चीज है जानते ही नहीं आप, जब संयोग नहीं मिलेगा तो प्रेम क्या होता है जानते ही नहीं, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानोगे। और वियोग नहीं तो बढ़ेगा नहीं, तो प्रतिक्षण वर्तमान है। ज्ञान में ऐसा नहीं होता, ज्ञान में ऐसा नहीं होता, एक अनुरूप हृदय में रहता है। किसी अवस्था हो रही जागृति मूर्छा समाधि एक अच्छा, ये प्रेम में ऐसा होता है। तो प्रेम में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है, तो बढ़ता तभी ना कम होता है। संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, चारों अवस्था वियोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, संयोग संयोग में संयोग, चारों अवस्था होती रहती है, तब प्रेम बढ़ता है। ज्ञानिनो त्रिवेणा विवेकी है, उसको काम आवे उस समय में भोग अच्छे नहीं लगते, भोग अच्छे नहीं लगते, इस वास्ते पैर दिखता है। अविवेकी है उसको भोग कर काल में पैर नहीं दिखता, भोग काल में अच्छा दिखता है। तो ज्ञानी का नित्य वेरी है, विवेकी है उसका नित्य वेरी है, तभी तो हटेगा नहीं, हटेगा कैसे, संसार हटता क्यों नहीं है, कि आता है जब अच्छा दिखता है सोचते हटकर उसे राजी होते हो। आशक्ति नहीं हो तो भोग प्यार लगे ही नहीं, भोग प्यार लगे मेरे संसार में हो कैसे, विश्वास नित्य वेरी नहीं है आपका, आपके भोगों का समय तो मित्र है, भोग नहीं मिले फिर भी है। ये विवेकी है, विवेक नित्य वेरी है, साधक योग से सिद्ध है ही नहीं, वही हो सत्य ही नहीं। राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, स्वतः है स्वाभाविक है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है सबकी, केवल भूल है उधर भूल मिटी मिटी हुई, स्वतः सिद्ध सब सबकी, मुक्ति होती नहीं है, होती है मुक्ति जो कहते हैं होती है, मुक्ति तो है स्वतः है, आपकी मुक्त अवस्था स्वतः स्वाभाविक है, उसको भूल गए इस बात मन लिया में परमात्मा को नहीं जानता था, अब जान गया, नई बात होगी ऐसे नहीं, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, मैं माता राग द्वेष है ही नहीं, अरे हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी के पहले मैं अज्ञानी था, मैं अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता है, ज्ञान था ही नहीं, मैं भी कोई भ्रम ज्ञानी अज्ञानी दोनों की अज्ञानी की दशा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों अज्ञानी की दशा है। अहंकार शंका, शंका करो क्या शंका, वो तो कहते हैं विवेकी को जिज्ञासु ले माने क्या, जिज्ञासु विवेकी है जिज्ञासु है, क्यों वो आवे से भी खराब लगता है तो वो खराब ही लगता है, आवे तो भी खराब लगता है, अज्ञानी को आवाज खराब नहीं लगता, वो परिणाम खराब लगता है, वो खुद खराब लगता है, ये तो अनित्य वैरी है, ज्ञानी नो त्रिवेरी ना। और वो शंका जो बताओ, डरो मत, साधक साधना करता है ना, साधना करते करते एक स्तर पे पहुंचता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के पहले ही मृत्यु हो जाती है। आपने कल बताया कि जिस स्तर पे उसकी मृत्यु होती है वहीं से अगले जन्म में शुरू करता है, तो अगला जन्म क्या मनुष्य का ही योनि प्राप्त होती है, मनुष्य योग वर्ष होता है, मनुष्य योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट उसे अगले जन्म,
दूसरा मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी को कभी भी मनाई है ही नहीं और अधिकारी नहीं है। किसी पुण्य में कभी भी भगवान के लिए अधिकार मनाई है ही नहीं, सबके लिए। एक तो भगवान, एक परमात्मा तो जानने वाला, दो के सिद्धांत में संस्था है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ही है बंधन है। वासुदेव सर्व में तीसरा महात्मा शुद्ध भाव, और महात्मा में कोई बंधा हुआ कोई मुक्त होगा। वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व में दो होगा, एक बंध एक मुक्त। बंधन है ही नहीं, तभी तो मिट रहा है। अगर हो तो सदा ना भाव भी तीसरे सत्ता सत का भाव नहीं होता, बंधन होगा तो क्योंकि मिट जाए, मिटेगा नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वही मिटता है। अभाव जिस होता है वही मिटता है, जिसकी सत्ता है वो मिटेगा नहीं। मेरी बातें कहीं सुन रही है, सुन रहे कई बातें याद आ जाती है, कभी भूल जाता हूँ, परंतु मैं पूछने पर याद आ जाती है। पूछ रहे अकेला विचार तो आते नहीं समझ में, पूछ रहे पटा देते छंदे रहते ही नहीं। आप सभी ऐसे हो, आप में सब में वो चीज है, आप सब मुक्त हो, थोड़ा सा विचार है, आप ख्याल नहीं करते हो। देखो दो अवस्था सब साधुओं की होती है, सब साधुओं की दो अवस्था होती है, ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि काम साधु है ही नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम शुद्ध निर्मल ऐसे रहते हैं। कभी ऐसा मन होता है, कभी कैसा है कि इनसे तो पहले साधन में नहीं लगे थे, उससे अच्छे थे, अब साधन में लग गए, इतना पर सत्संग करते हो गया, पहले सत्संग नहीं करते उससे भी गिर गए, उससे नीचे हो गए, प्रत्यक्ष नहीं था सर, सब नहीं था ऐसा, दोनों अवस्था होती है। तो दोनों अवस्था में क्या करना चाहिए, मैं सुनी हुई है शेष बातें हुई है। जब देखे कि अपने तो अवगुण है ही गोली, तो अवगुण अवगुण की सत्ता नहीं है, अवगुण की सत्ता ही नहीं है, सत्ता हो तो मिटेगा कैसे, मिटे तो सत्ता कैसे, सत्ता ही तो बात ठीक है। जब देखे ये भगवान की कृपा है, दोनों में भगवान की कृपा है, अच्छी बात दी गई तो भी भगवान की कृपा है कि तुम घबराओ मत, अच्छी बात दी गई थी वो बात याद करो जिसमें काम क्रोध होते हैं, वो बात याद करो, और जब काम क्रोध है तो उस बात को याद करो, अच्छी याद करो, दोनों मिला है, दोनों मिला से दोनों साथ में है, वह वक्त मैंने याद करो, उस वक्त मिट जाएगी। वास्तव में काम क्रोध की सत्ता नहीं है, सत्ता ही नहीं है, तभी अभाव होता है, नहीं तो अभाव कैसे होगा। ये बात हरेक सत्संग में नहीं मिलेगी, शेर जी के कर्पात्र शास्त्रार्थ हुआ, पुस्तक जो नहीं पुस्तक कर्पा जी के तरह राग देश रहते हैं, शरीर नहीं रहते। जयेंद्रपुरी जी महाराज थे प्रयागराज कुंभ में, वे एक बोला ठीक है, शेर जी ठीक है। दूसरे कई बार अच्छा से विद्वान नहीं माने बात, अपने में आए थे वृंदावन वाले, वो रमण ऋषि वाले रहते,
ये क्रोध काम क्रोध से काम के क्रोध में तू पैदा ही नहीं हुए, बिना क्रोध कैसे पैदा हुआ था, बिना मेरे काम कैसे पैदा हुआ। राशि प्रबंधि में जब मैं तो प्रबंधन होती है कुछ नहीं सड़क पड़क तत्व नहीं हुए, बिना काम में तो पहले ही नहीं हुए, काम कैसे छूटेगा। अरे काम हरदम रहता ही नहीं, आगंतुक दोष है। धर्म है अंत का, अंत का धर्म है कपड़े का रंग इन्हें भगवान का नहीं है। अब भंगवा है ये बनाएगा कपड़े के साथ में, ये धर्म धर्म हो तो हरदम रहना चाहिए। जब अंतकरण रहे तब हरदम, जब तक अंतकरण रहेगा तब तक काम क्रोध रहेंगे ही, तब तो धर्म है। अंतकरण रहता है काम तो नहीं रहते, धर्म कैसे हुए, विकार है, विकार विकार होते हैं, धर्म कैसे हुए। क्या बोलो, धर्म हो ही नहीं सकते। राग द्वेष मति ये देवता मनोदंग विशेषा में लिखा है, राग द्वेष मति के धर्म मानता अपने में है ही नहीं, माया का मति मति का धर्म है, धर्म है ही नहीं, विकार है। जैसी पुस्तक माती बात ठीक बात है, वास्तव में ये दोष है, उनकी सत्ता नहीं है, दोषों की सत्ता है ही नहीं, इस वास्ते ये मिट जाते सत्ता। सत्ता कैसे मिटेगी, सत्ता मिटेगी नहीं, दोषों की सत्ता है ही नहीं, इस वास्ते मिटे हुई है, सुंदर मिट जाएंगे। मैं शंका बोलू आप शंका बहुत विशेष साफ होगा। हमारे इसमें माता बच्ची क्यों नहीं है, शेर जी के सामने बहुत बार हुई है। रामायण माता बताओ, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद ज्ञान और अज्ञान जीव का धर्म है, इसका क्या अभिप्राय है। इसका धर्म है कि जीव मात्र में रहता है, जीव मात्र जीवन समय रहता है, ये जीव धर्म है। जीव ही नहीं रहता क्या रहेगा, बोलो, जीव का धर्म है। जीव से कहते थे जीव भूत मामी मानसो जीव लोग, जीव भूत सनातन, जीव भूत दिया दोनों पर दोनों से गए, दोनों ले गई साथ में भी पदे में भी जीव भूत है, जीव भूत क्यों लिखा है, जीव बना हुआ है, जीव है ही नहीं, कैसे रहेगा। जीव रहेगा जब तक ये धर्म रहेगा, फिर जीव ही नहीं रहेगा धर्म कैसे रहेगा। अहम अहम अभिमान मेरे जीव जीव में कर्म है, जीव बना रहेगा सब रहेगा, जीव बना ही मिट जाएगा, चुप कहां रहेगा बेचारा। गोस्वामी जी की वाणी बड़ी शुद्ध, गीता जी की रामायण की वाणी शुद्ध है, और पुस्तकों में गड़बड़ी आती है, जो आर्ष ग्रंथ है उनमें नहीं आती। पुस्तकों का तत्व ठीक समझना मामूली बात नहीं है, गुरु का ठीक तरह समझना तत्व कई बात है, किस समय में किस बात में क्यों कहा है, सब बातों के सूत्र है, सिद्धांत है कि काम को बता दे के शत्र सत्ता नहीं है। हरम कहाँ रहते हैं आप देखो, हरम रहते हैं क्या आप अपने में देखो तो हरदम रहते हैं क्या। मति के धर्म तो वो है या मति रहेगी तो रहेंगे, मति रहेगी तो रहेंगे ही, या मति रहते नहीं रहते वो मति धर्म नहीं होता, वो धर्म होता ही नहीं,
कपड़ा रहे तो रंग रहेगा तो कपड़े का धर्म है, ऐसे तो रंग ऊर्जा तो धर्म नहीं है कपड़े का। धर्म तो सदा रहेगा, अंतकरण हरदम रहता है, हरदम कहा रहता है। ये दोष है नहीं, पांच अवस्था होता है, प्रसुप्त तनु विच्छन उदार प्रभाव विच्छिन्न तनु उदार नाम अविद्या क्षेत्र मुत्तेजा प्रसन्न प्रसन्न उदाहरण इनका क्षेत्र अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्षेत्र अविद्या अविद्या रहते रहेंगे अविद्या नहीं रहेंगे। इतना स्पष्ट नहीं आता जिंदा शेर जी पूछता हूँ सुबह सब सब कहीं व्यम नहीं मिलेगा तो अच्छे अच्छे आता है। इस वजह से शेर जी उस ग्रंथों को पढ़ने की मना ही करते हैं, शेर जी ग्रंथों के पढ़ने की मना ही करते हैं। अपने गीता प्रेस में छापने के लिए बात हुई, शेर जी ने मना करना शेर जी बहुत सावधान तो भोग तो भोग ही देना ये है नहीं वास्तव, असली सिद्धांत नहीं है। कई आगे पीछे आगे काम क्रोध लोभ आदि विकार है, विकार विकार सब मिट जाते हैं, निर्विकार हो जाता है। अपरा प्रकृति से ऊंचे कैसे उठे, अपरा प्रकृति जो है ना जड़ प्रकृति, उससे ऊंचे कैसे उठे हम? उसे ऐसे उठो आप ऊंचे हो, आप उनसे हो। मैं ये बात बताई है श्रुति में, जागृत में स्वप्न में साथ रहता है, श्रुति में आपकी इंद्रियां मन बुद्धि अहंग रहता है क्या? आप रहते हो ये नहीं रहते, गाढ़ नींद में अहम रहता है क्या? ये बात मैंने जोर से कही है कि हम आपके साथ नहीं है, अहं के साथ आप नहीं हो, काल सुसुप्त में अहं नहीं रहता, आप रहते हो। मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसे आप अनुभव करते हो, स्मृति होती है आपकी। ये जो अवस्था आपने बताई सुसुप्ति में, इसका जागृति में अनुभव कैसे हो जाए? हमें जागृति में जागृत सुसुप्ति हो जाएगा, जागृत में स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था होती है जागृत में। मानो जागता रहे सुसुप्ति में संसार भूल जाए, सुसुप्ति की तरह संसार को भूल जाए जागता रहे, वो जागृति सुसुप्ति होती है, जागृत सुसुप्ति में अनुभव हो जाएगा। जागृत में संसार की समझ विच्छेद कर दो, जागृत सुसुप्ति ये बोल नहीं। आप देखो आप बताओ सीधी सीधी बात, आप अभी यहाँ बैठे बात करते हो उसमें गंगा जी याद है क्या? कहते इस वक्त आपको गंगा जी याद है क्या? ये प्रश्न हमारा जो उत्तर दे दो। आप यहाँ बैठे हो और बातें कर रहे हो उस समय गंगा जी याद है क्या? तो गंगा जी अभाव हो गया नहीं आपके? मैं कहूँ मात्र चीज का अभाव होगा तो आत्मा का अभाव नहीं होगा, सबका अभाव देगा आपको। सुसुप्ति में सबका अभाव होता है, अपने आप का अभाव नहीं होता है। मेरे को कुछ बेहतर है कुछ बता देगा,
आप थे, आप ये नहीं है तो मैं नहीं था उस समय। बोलो सब बोलते बैठे हो, बोलो उसके बोलो। ठीक बताते हो, आपका भाव नहीं होता, आपके अभाव का अनुभव आपको नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। झूठ झूठ कह देते हो, अब तो मर जाए तो चाहे मर जाए तो चाहे, अरे आप मर सकते ही नहीं कभी, आप मृत्यु कभी होती ही नहीं। हमारी ग्रंथि कैसे टूटे? मैं कहता हूँ सीधी बात है, कैसे छूटे? लगन लग जाए छूटे, केवल लगन लगे, केवल उठते बैठते जागते सोते हरदम आ जाते ग्रंथि कैसे छूटे, ग्रंथि कैसे छूटे, छूट जाएगी, कभी छूट जाएगी, नदी नहीं रहेगी, भग जाएगी। ये तो सुटोड़ी है भाई, आपने छुट्टी हुई है, केवल आपने पकड़ी है, आपके साथ नहीं है, है नहीं। मुक्ति सबकी मुक्ति है, मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति है सबकी। जैसे मैं कहा, मेरी बहन को कह रहा तुम वत मानो, छोटे बोले अरे तुम मानो ही वत है ही नहीं, हरे को नहीं कह सकते भाई। पंचनी भगवान पर विश्वास है, संतों पर विश्वास है, भरोसा है, वो कह मैं दोष है मत मानो। अरे केशवराम जी इनको मानते मानते कई वर्ष हो गए, इसमें जोर से कहा मत मानो, फायदा हुआ नहीं, मानता रहा मानता ही रहेगा। कारण क्या है, जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे परमात्मा का अंश ये भी नित्य है, जिस दोष को नित्य मान लेंगे वो दोष दूर नहीं होगा। कैसे होगा, नित्य ने मान लिया, नित्य नित्य परमात्मा अंश नित्य, ईश्वर से नित्य है, इसने मान लिया नित्य तो नित्य रहेगा, नित्य रहेगा। वो जब कहते हैं मत मान दो, मानते नहीं, और वो दिखता है, अरे दिखता है नहीं, बहुत फायदा हुआ। जागृत अवस्था में जो ये सुषुप्ति आती है, ये स्वरूप है क्या है? स्वरूप है, स्वरूप तो असली स्वरूप, जय स्वरूप है वो, स्वरूप तो हरदम जागृत रहता है, स्वरूप लुप्त होता ही नहीं, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में स्वरूप लुप्त होता ही नहीं, हरदम जागृत रहता है। सुनो यही बैठ जाइए बैठा, देखो बात बताओ है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति सबको ही है, सबको प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा के वर्णन में यह आता है कि सब जगह कोई सूखी सुई की आगे नोक टिके इतनी चीज भी भगवान से खाली नहीं है, तो आप प्राप्ति रेत कैसे रहे? आप दूर बात बताओ, भगवान के बिना तीखी से तीखी सुई टीके इतनी जरूरी भगवान के बिना नहीं है, तो फिर आपको अप्राप्ति कैसे हुई? आप अप्राप्ति है तो सुई टीके बने पूरी पूरी अप्राप्ति है, सुई का टीके धन्यवाद। बताओ, विश्वास की कमी है। हाँ ये बात है, शेर जी का तो श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी शेर जी का, और कुछ कमी नहीं है, श्रद्धा की कमी है। आप भीतर से नहीं मान सकते, भीतर से नहीं माने तो नहीं बैठेगा,
भीतर से मानेगा नहीं, हमारे वहाँ ही नहीं कहीं। आज अभी मुक्त हो जाए, सब मुक्त है, सब मुक्त है, सब बिल्कुल सच्ची बात है। पर दृष्टि नहीं मानते ही नहीं आप। एक धारणा बैठी है महाराज जी कि अंतकरण शुद्ध होगा जब ये विश्वास होगा, ये धारणा बैठी हुई है। बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलत बात है। अंतकरण शुद्ध हो, अंतकरण से जल मैंने अंतकरण से ज्ञान होगा क्या? ज्ञान अंतकरण से होता है, स्वयं को होता है ज्ञान। जागते हो तो अंतकरण जागता है, आप स्वयं को ज्ञान होता है। इस बात है ज्ञान सबको प्राप्त है, परंतु वो हिम्मत नहीं होती, परंतु शुद्ध होते कोई नहीं मानते। इनको बताया अरे आप मत मानो, अरे को नहीं कहा जा सकता मत मानो, अंत करना शुद्ध है। अब अंत करना शुद्ध है, कर्म अशुद्ध है, कलम कर्म अशुद्ध है, तो कर्म से लिखना शुद्ध होगा। अशुद्ध हो जाने से कोई आपका सब कार्य अशुद्ध हो जाएगा। कलम है उस अशुद्ध है तो कलम अशुद्ध होगा। तो लिखना कलम एक ही ढंग है, एक ही माजने का है, एक ही सतर्क है। संसार और आपके मन बुद्धि इंद्रिया ये एक तत्व है। आत्मा का आत्मा आपका भी सुने है। इस वजह से मैं तुम भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, सब काम ठीक हो जाएगा। सबको भगवान को अपना मानो, जो जो भगवान आपके नजीक दिखेगे कहीं तो विकास दूर हो जाएंगे। जो जो भगवान नजीक मालूम देंगे त्यो ही त्यों विकार आपसे हट जाएंगे। बिल्कुल आपसे आप ही हटाना नहीं पड़ेगा, हटाना होगा नहीं। सूर्य के पास अंधेरा आता नहीं, सूर्य के पास अंधेरा आता नहीं, आ ही नहीं सकता। कैसे आओगे बताओ? सूर्य के पास कैसे अंधेरे जाए, कहां थी कहानी आती कहां है? अंधेरे ने जा करके ब्रह्मा जी से कहा, ईश्वर से कहा कि मेरे को ये सूर्य है जो टिड़े नहीं देता, ये हमारे साथ विरोध करता है। सूर्य बोलाया तो मजा अंधेरे ने तू क्यों पैर करता है? कहते है, मैं ऊपर में दिख ही नहीं, पैर तब वो देखो तो मैं ऊपर में दिख रही, कब भी दिख रही, देखो मैं पैर जैसा हित लो तो उड़ने जाकर सिगरेट की कि मैं जाऊँ मछली खा जावे, ऊपर आकाश में मछली खा जावे, बेग आ जावे, फ्रूट खा जावे, गुड़े सभी खा जाओ। आप ऐसा करो कि मन तो मारे चल रहेगा, वो भी मेरे मन सकता कहा जा बेचारा। ऐसी दिशा है, अंधेरा अंदर है नहीं, नहीं है उसका ही नाश होता है, होता है उसे नाश नहीं होता। ना भाव विद्यते सत, सत भाव न विद्यते और असत भाव न विद्यते। आधा श्लोक ये सोलह अक्षर मैं कहता हूँ, कैसे कैसे बोलिए आज भगवान ने जो कहा ना भाव विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव। सब शास्त्र पुराण वेद सब के सब ईश्वर अक्षर के भीतर है। असत भाव असत सत्ता है ही, तो अज्ञान की सत्ता नहीं है, है ही नहीं। अब आपने जोर से पकड़ भाई, आप से परमात्मा का अंश, अब कैसे उठे? आप परमात्मा का अंश हो, क्या क्या है तो कैसे उठे?
अज्ञान है ही नहीं, ना भाव भी दिश रहता है, सत का भाव नहीं होता, ना असत भी नहीं, असत भाव है नहीं, असत भाव है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, सदैव सच्ची बात है। आप व्याकुल हो जाओ इसी बात पर ही, ना भाव बीतते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती, क्या कौतूल है, मिट जाएगा ये, मिट जाएगा। आप अशुद्ध हो, शुद्ध हो का सही हो, शुद्ध अंतकरणों का तो जल्दी काम बनेगा। क्यों कहते हैं कि आप हिम्मत नहीं करते, सत कहते हैं अशुद्ध अशुद्ध हिम्मत कर दो सृष्टि हो जाएगा। परमात्मा ज्ञान से हमारा अशुद्ध कैसे है, यही नहीं अशुद्ध टिक नहीं सकती। तो सुनो भाई, इधर सुनो, प्रेम से मस्त सुनो भाई।